रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज आपको एक जे पॉल रेड्डी की बुक है, हाउ टू बी रिच। उन्होंने कुछ फार्मूलाज बताया है, उस सिलसिले में बात करता हूँ। जो मुझे बहुत अच्छे लगे वो ये कि आप, वो ये कहते हैं कि आप सर्विस से बड़े नहीं बन सकते। तो उन्होंने कुछ 8-9 पॉइंट बताए हैं कि आपको पहला पॉइंट है कि आपको कुछ ना कुछ तो बिज़नेस स्टार्ट करना पड़ेगा। अब वो बिज़नेस भी ऐसा हो कि जिसका आपको नॉलेज हो। अगर नॉलेज नहीं है तो फर्म नॉलेज आपको हासिल करना चाहिए, जो वो लोग जो बिज़नेस करते हैं उनसे, और उनके एक्सपीरियंसेस आपको लेना चाहिए। और जब आपको फर्म नॉलेज आ जाए उस बिज़नेस के बारे में, तब आप बिज़नेस को स्टार्ट करना चाहिए। नंबर एक पॉइंट। नंबर दो पॉइंट, जब आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तब आपको ध्यान तीन बातों का रखना चाहिए। नंबर एक कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और नंबर दो आपकी सर्विस बहुत अच्छी होनी चाहिए, और नंबर तीन आपका जो भी प्रोडक्ट हो वो कम से कम अफोर्डेबल कॉस्ट में होना चाहिए। ये तीन बातें उन्होंने कही। अब ये थर्ड पॉइंट जो बता रहे हैं उन्होंने कि जब भी आप कोई बिज़नेस करते हो तब इकोनॉमी का ध्यान होना चाहिए। इकोनॉमी यानी कहाँ पे हम अपने एक्सपेंसेस को कट कर सकते हैं, कितना हम बचा सकते हैं, उसके बारे में ध्यान होना चाहिए। तो बिज़नेस में भी और पर्सनल लाइफ में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसा हम एक्सपेंसेस को हमारे कट ऑफ कर्टल कर सकते हैं, उसके बारे में हमें ध्यान देना चाहिए। चौथी चीज़ वो ये बताते हैं कि जब भी कोई एक बिज़नेस करते हैं, और अगर वो बिज़नेस जो हमारा हम कर रहे हैं तो अगर हम उसी के ऊपर समाधान रहे तो फिर हमारा बिज़नेस ग्रो नहीं होगा। इसलिए हमें हर वक्त अपॉर्चुनिस्टिक होना चाहिए, यानी अपॉर्चुनिटी क्या है हमारे बिज़नेस को एक्सपांड करने की, उसके बारे में सोचना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ, एक वड़ा पाव वाला है ना, वो वड़ा पाव वाला अपने बिज़नेस के बारे में वैसे ही सोचता है कि बस मेरा बिज़नेस जो मिल रहा है मुझे उतना ही काफ़ी है। वो कभी एक्सपांशन के बारे में नहीं सोचता है। मगर जो लोग एक्सपांशन के बारे में सोचता है, जो लोग फ्रेंचाइजीज के बारे में सोचते हैं, वो बहुत बड़े बन जाते हैं बिजनेसमैन। तो चौथी बात ये कही। पाँचवीं बात ये कि डेलीगेट अथॉरिटी, यानी जो कुछ आप काम कर रहे हो, वो बिज़नेस जो आप संभाल रहे हो, वो हर एक को अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए। ये नहीं कि सब कुछ मैं ही करूँगा, सब कुछ मुझे ही आता है, और सब कुछ अपने आप पर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ नहीं लेना चाहिए। मगर लोगों को वो काम डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उसके ऊपर सुपरविजन करना चाहिए। जैसा कि मैंने वड़ा पाव का एग्जांपल दिया, उसको ऐसा लगता है कि वो मेरे हाथ का टेस्ट है ना बहुत अच्छा है, इसलिए वड़ा पाव जो वड़ा बनाऊँगा ना मैं ही बनाऊँगा और वही लोगों को दूँगा, इसलिए उसका बिज़नेस नहीं बढ़ता। क्योंकि वो एक्सपेंशन का भी नहीं सोचता और नहीं वो डेलीगेशन का सोचता है, इसलिए उसका बिज़नेस कभी नहीं बढ़ता। छठा पॉइंट वो बताते हैं कि हमें हमेशा जब हम किसी बिज़नेस में जाते हैं ना, तो हमको हमारे बिज़नेस के प्रोडक्ट की क्वालिटी को हम कैसा इम्प्रूव कर सकते हैं, कितना अच्छा इम्प्रूव कर सकते हैं, और कितना लो कॉस्ट में कर सकते हैं, ये हमें सोचना चाहिए हर वक्त। सातवां पॉइंट वो बताते हैं कि हमें हमेशा रिस्क लेना चाहिए बिज़नेस में। कभी हमको पैसा बोरो भी करना, उधार भी लेना पड़ता है, कभी उधार देना भी पड़ता है, ये सारी रिस्क हमें लेने चाहिए। और कभी कभी नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च भी करना पड़ता है एक्सपांशन के लिए, तो ये सारी रिस्क हमें लेना चाहिए। और जितना हम रिस्क लेते हैं ना उतना हमें बेनिफिट हो जाता है। आठवीं चीज़ वो बताते हैं कि हम जो कुछ काम करते हैं, हम जो कुछ बिज़नेस करते हैं, उसमें ट्रुथफुलनेस होना चाहिए, उसमें लॉयल्टी होना चाहिए, उसमें हमारा एक ब्रांड बनना चाहिए, इसकी फिक्र हमें होनी चाहिए। हमारा एक रेपुटेशन होना चाहिए, एक मार्केट में हमारा रेपुटेशन होना चाहिए। ये जिम रॉन बताते हैं कि इंक्रीज योर वैल्यू इन द मार्केट प्लेस। तो हमारी वैल्यू मार्केट प्लेस में बढ़नी चाहिए। लोग जब किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं तो ये सोचे कि ये बस हमारी कंपनी का प्रोडक्ट हो, तो ऐसा ब्रांड हमें बनना चाहिए। ऐसा ब्रांड हमारे पर्सनल लाइफ का भी होना चाहिए और ऐसा ब्रांड हमारे बिजनेस का भी होना चाहिए। अब नेक्स्ट बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि हम कितना भी पैसा अगर कमा लेना बिजनेस के ज़रिए, बहुत सारी दौलत भी इकट्ठा कर लेना, मगर जो हम दौलत इकट्ठा करेंगे अगर वो दूसरों के काम नहीं आई तो वो दौलत किस काम की नहीं रहती है। इसलिए हमेशा ये सोचना चाहिए जितना भी हम पैसा कमाएंगे ना
उससे लोगों के कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और जितना हम बिजनेस में ये सोचते हैं कि हम कैसे लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, कर सकेंगे, उतना ही हमारा बिजनेस फास्ट ग्रो होता है। ये सारे 8-9 पॉइंट जो थे मैंने बता दिया आपको, जो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अगर हम इसको किसी भी बिजनेस में फॉलो करेंगे और हम अगर अपना बिजनेस माइंडेड करेंगे, बिजनेस ओरिएंटेशन देंगे सर्विस के बजाय, यानी जॉब के बजाय, तो फिर हम बहुत जल्द ही मालदार बन सकते हैं। और मालदार इसलिए नहीं बनना चाहिए कि हम दूसरों का माल हड़प कर सकें, मगर हमको मालदार इसलिए बनना चाहिए कि हम दूसरों को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकें, दूसरों के प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा हम सॉल्व कर सकें। वो आखिर दावा ना, अल्हम्दुलिल्लाह।